हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब वीडियो में। आज हम बात करेंगे 9:15 का जो प्लानिटरी पोजीशन है वो किस तरीके का व्यू लेकर क्या है और किस तरीके का ट्रेडिंग डिसीजन लिया जा सकता है। मॉर्निंग के सेशन में आप जो हैं बैंक निफ्टी जैसे या बैंकों के शेयरों पे और जो ओवरसोल्ड स्टॉक हैं, जैसे मैंने बोला भी था परसों कि बंधन बैंक आरबीएल बैंक को देखा जा सकता है। कल भी आरबीएल बैंक निचले लेवल से मौका मिला, बंधन बैंक में मौका मिला, तो ये प्लैनेट पोजीशन के बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ। तो आज जुपिटर के नक्षत्र में, मीन्स कि गुरु देव के नक्षत्र में चंद्रमा मिथुन राशि में है, 25 डिग्री पे, अप्रोक्सीमेट 25 डिग्री पे राहु से आगे निकल गए हैं। अब ये क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे बैंकों के शेयरों को बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। गुरु जो है बैंक के स्टॉक, फाइनेंस के स्टॉक को प्रतिनिधित्व करते हैं और स्पेशल बैंक निफ्टी को भी प्रतिनिधित्व करते हैं, और बुध भी आपके बुद्धि, और बुद्धि जो होता है ट्रेडिंग का मापदंड है। रेट्रो हुए हैं, मंदी कर रहे हैं, शुक्र के साथ हैं, शुक्र का साथ फिर से छूट जाएगा कल तक, तो ये फिर से आ जाएंगे सन के साथ आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा, जो अभी इंडेक्स में मंदी देखा जा रहा था, स्टॉक स्पेसिफिक मंदी देखी जा रही थी, फिर से वो कन्वर्ट हो जाएगा तेजी में, ऐसा व्यू है। तो आज करना क्या चाहिए, तो ये आज के लिए भी वैलिड है और आने वाले 2-3 दिन के पर्पज से भी वैलिड है। लेकिन अभी फिलहाल जैसे हमने बोला है कि हमने प्रीवियस वीडियो देखा होगा कि 8-9 तारीख तक तेजी मंदी चलेगा, तो संभल कर ट्रेड करना है। स्टॉक में जो स्टॉक नीचे हैं बिल्कुल, उन स्टॉकों को खरीदने में फायदा ही होगा। ये आज नहीं होगा तो 1 हफ्ते बाद होगा, आज नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं होगा तो 1 वीक बाद होगा, लेकिन होगा, बेनिफिट ही होगा। तो मेटल एंड बैंकिंग सेक्टर के शेयर को लेना चाहिए, और यही बैंक निफ्टी को खींचेगा और निफ्टी भी खींचेगा, जिसके कारण इंडेक्स आज एक्सपायर अच्छे लेवल पे होगा। हाँ, गैप अप खुल गया तो क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए। वेट करेंगे और वेट करेंगे क्योंकि फिर से ये बाजार 1 वे तेजी नहीं होगा, आज भी वोलेटाइल रहेगा, और वोलेटाइल जो होगा लगभग 11:30 तक वोलेटाइल रह सकता है। तो 11:30 तक मौका मिलेगा, जल्दबाजी नहीं करना है। मे बी आपका पसंदीदा स्टॉक ऊपर चला जाए, लेकिन जो स्टॉक नीचे गिरेंगे 11:30 तक, वो हम खरीदने के बारे में सोचेंगे अगर वैल्यू बाइंग है तो। ये बता रहा है प्लानिटरी पोजिशन। तो आज का एस्ट्रो प्लैनेट पोजीशन के बेसिस पे हमने स्टॉक और सेक्टर पकड़ने की कोशिश किया है। इसी तरीके का वैल्यूएबल एनालिसिस जानने के लिए इस चैनल से बने रहिए और शेयर कीजिए। और मेरा व्यू है एजुकेशनल एंड लर्निंग, ट्रेड करते हैं तो प्रॉफिट लॉस का हमारा इस चैनल का बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।